व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। यहां पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को जानकर ये सरप्राइज होगा। जिनको पता है तो उनको तो सही बात है, जिनको नहीं पता है उनको ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लग सकता है। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है स्विट्जरलैंड की। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है स्विट्जरलैंड, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सर गए 26 मई 2006 में ये वहां पर विजिट करने गए, और उस दिन को यहां पर स्विट्जरलैंड में साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए इतने महान हस्ती थे ये, ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है इनको, और इंडिया में इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू वगैरह में पूछी जा चुकी है ऐसी बातें कि ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जहां पर साइंस डे एपीजे अब्दुल कलाम सर से कनेक्टेड है। तो इन्होंने विजिट की 26 मई 2006 में, तो तब से लेकर वहां पर साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेट याद रखना 26 मई 2006 तो याद रखी रख लेना। ओके, तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज है 21 फरवरी, नैनो मैगजीन के तहत देख लेते हैं हम लोगों क्या क्या डिस्कस करना है। नैनो मैगजीन में हम लोग डिस्कस करेंगे पीआईबी योजना, ऑल इंडिया रेडियो की नीज, इसके अलावा आप लोगों को प्रीलिम्स फैक्ट देखने को मिले, कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, और जो पुराने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनके आंसर दिखेंगे। काफी शानदार हम लोगों का डिस्कशन रहने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा शाम को आप लोगों को पता ही है पॉलिटिकल लेक्चर आता है डेली, हालांकि कल जो था वो परसों जो था वो मिस हो गया था क्योंकि मुझे काम पड़ गया, बाहर जाना पड़ गया, पर लेकिन कल आप लोगों के लिए लेक्चर है, काफी शानदार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर पढ़ाया गया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। लिंक सारे पॉलिटिकल के जितने भी लेक्चर के आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आज का दिन है 21 फरवरी, और 21 फरवरी को यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए आप लोगों को अपनी कंट्री में भी देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट, पर जरा जरा से रीजन में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ में जाएं तो आप लोगों को दुनिया भर की लैंग्वेज चेंज होती चली जाएंगी। आप लोगों ने कहावत भी सुनी है कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर पानी, तो इस तरह की बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंडिया में भी आप लोग देखते हैं, और यहां पर की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात, कहीं फ्रेंच, कहीं चाइनीज, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, कहीं आप लोगों को अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है। अफ्रीका में चली जाए तो बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है अपनी ही कंट्री का अगर उदाहरण मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखने को मिलेगा बहुत सारी लैंग्वेजेज जो है आज की डेट में विलुप्त होती जा रही है। आप लोग इसको ग्लोबलाइजेशन का रीजन बोल सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, जैसे इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है आज की डेट में, तो लोग बात क्या सोचते हैं कि इंग्लिश सीख लेते हैं, बाकी का ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये काम भी आने वाली है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें माइंड में रहती है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज भी यहाँ पर हो जाती है अगर इंग्लिश को देखा जाए, कि इसको सीखने के बाद में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यहाँ जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में तो जॉब मिल जाएगी यार। तो ये भी बहुत बड़े रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से आदमी क्या सोचता है कि खासकर एक ऐसी लैंग्वेज सीखी जाए जिसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसी की वजह से वो जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ के आ जाते हैं। तो उसी के बारे में बात की जाती है किस तरीके से हम लोग जो लैंग्वेज है अपनी पुरानी उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज है वो विलुप्त होती जा रही है। तो 21 फरवरी इसी के रूप में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था 17 नवंबर 1999 में, तब से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। थीम याद रख सकते हैं 2018 की, क्योंकि थीम वगैरह पे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा तो पूछे जाते हैं, एसएससी और बैंकिंग भी इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इस बार की जो थीम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म काउंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थीम है यहाँ पर, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। बात की जा रही है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, जितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और जितनी जा रही हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल की बात की जा रही है। देखिए कई सारे डे ऐसे होते हैं जो हमारे दिन हमारी कंट्री में होते हैं, और यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे की, तो दोनों ही कवर करके चलता हूं मैं यहाँ पर, जो भी आता है जिस दिन भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मल्टी लिंग्वलिज्म की, काउंट की, और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरा सस्टेन करके चीजों को चलना है आगे, फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी। फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूएन के द्वारा, अगर आप लोग देखेंगे रिजोल्यूशन 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द लैंग्वेज के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो काम क्या करता है, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में जो भी लैंग्वेज है किस तरीके से उनको हम प्रिजर्व और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में विलुप्त ना हो जाए और हम किसी एक लैंग्वेज की तरफ को बढ़ते हुए नजर न आए ओनली। ओके, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक पैटर्न नजर आता होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तब आप लोगों को देखने को मिला काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में क्या हुआ, उस टाइम पर गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है ना। फिर बीच में आप लोगों को देखने को मिला कई सारी चीजें प्राइवेट हो गई, इस तरीके से एक पैटर्न नजर आता है यहाँ पर। आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, जो पहले स्टार्टिंग में अगर अंग्रेजों के टाइम की बात करें, उस टाइम पर सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था, फिर गवर्नमेंट के हाथ में आया, और फिर से आप प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का ये कहीं ना कहीं रीजन नजर आएगा। बात की जा रही है कोल में रिफॉर्म की, जो कोल माइनिंग होती है, जो आप लोग देखते हैं कोल की जो खुदाई की जाती है, आज के डेट में कहीं ना कहीं कंप्लीटली यहाँ पर मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, पर अब उसमें प्राइवेट का पार्टिसिपेशन करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी।
यहाँ पर इसके बाद में मीटिंग की गई यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा, खासकर आप लोगों को पता होना चाहिए कोल मिनिस्टर आज के दिन में कौन है, पीयूष गोयल। तो कोल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी के पास में है, मिनिस्ट्री भी खासकर जो न्यूज में होती है आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो बात की जा रही है कि किस तरीके से जो कमर्शियल माइनिंग होती है उसको प्राइवेट को अगर दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तो कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी किसी सेक्टर के जितनी पावर है किसी सेक्टर के अंदर कितना उसका अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है वो कहीं ना कहीं जल्दी से सामने नहीं आता है जब तक वहां पर कंपटीशन न लगे। जब कंपटीशन लग जाता है तब आदमी के अंदर से ये चीजें निकल कर आती है कि हाँ अब तो कर लेते हैं यार वरना कुछ नहीं होने वाला है। अगर मोनोपोली रहती है तो ये रहता है कि यार मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर आप लोग ले लीजिए, एक शानदार से शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई मूवी आ गई वहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर ही आप लोग देख लीजिए कितना कंपटीशन रहता है आज के डेट में। कोई एक टॉपिक आता है उस पर दुनिया भर के टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक इंसान ये चाहता है मैं अच्छे से किसी चीज को कवर कर सकूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। इसलिए आज की डेट में आज के बहुत सारे एजुकेशनल अच्छे अच्छे चैनल आप लोगों को यूट्यूब पर नजर आते हैं, जिनको आप लोग देख के आराम से बिना किसी कोचिंग के भी अपना एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं यहां पर। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट का अगर प्राइवेट अगर यहां पर एंट्री मारता है कोल सेक्टर में तो यहां पर एक अच्छा कंपटीशन बनेगा, और अच्छा कंपटीशन बनने की वजह से जो है कोल फील्ड है ये अच्छे से प्रोडक्टिविटी यहां पर निकल कर आएगी। और आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, अगर बोला जाए लाइट जनरेशन के लिए, बिजली को जनरेशन के लिए, तो उसके लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है कोल आज की डेट तक भी। वैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को फॉरवर्ड हो रहे हैं पर फिर भी कोल यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहां पर इफिशियंसी बढ़ती हुई नजर आएगी और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसे यहाँ बढ़ती है तो उसके बाद कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को पता है ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर के। तो ये कुछ बातें हैं आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब काम किसके बेस पे होना है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर ऑक्शन किया जाना है इनका, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो एक्ट यहाँ पर याद रख सकते हैं, एक तो है कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015, दूसरा है मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इन दो एक्ट के हिसाब से यहाँ पर काम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसके अलावा ये ऑफर किए जाएंगे बिग या मीडियम या फिर स्मॉल जो माइनिंग है सबको ऑफर किए जाएंगे, प्राइवेट कंपनी को, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े हाउसेज हैं बस कॉर्पोरेट यूनिट को यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, सबको ऑफर किए जाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट वे में ऑफर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवरेट है बस उनको दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट के वे में आप लोग यहाँ पर ये नजर आएगा। इसके अलावा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसपेरेंसी को और कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी इससे उभर कर आएगी और एक अकाउंटेबिलिटी जनरेट की जाएगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब आसानी से अवेलेबल होगा, जो कि आज के डेट में बहुत महंगा रहता है वो आसानी से अवेलेबल रहेगा तो उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको पहले अब तक यहां पर गवर्नमेंट के आप लोग यहां पर मोनोपोली देखने को मिलती थी पर इसको प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री दे दी गई है, तो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बजट देखा, 2018 का बजट आया, उसमें भी फार्मर की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है और काफी लंबे से फार्मर की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कब तक डबल करने की बात की जा रही है, 2022 तक। पहली बात ये हो गई, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और फर्स्ट टाइम इस तरह कॉन्फ्रेंस हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है। तो फार्मर की इनकम डबल करने का अगर आप लोगों को बोलूं मैं कि किस तरीके से डबल किया जा सकता है तो सबसे सीधे सीधे आप लोग दो चार बात बोलेंगे कि यार देखो उनका जो काम करने का जो तरीका होता है, खेतों में जो उनका इन्वेस्टमेंट आता है अगर उसको घटा दिया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, ये बेसिक स्टेप्स अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाए और सबसे बड़ा यहाँ पर स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट तक आसानी से पहुंचा दिया जाए। तो ये ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आ रही है, किसान भी रहेंगे यहाँ पर, किसान से रिलेटेड जो आदमी है वो भी रहेंगे, किसान साइंटिस्ट रहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिकल अथॉरिटी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो सबको मिला के ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ पर करने की बात की जा रही है, कैसे हम आने वाले टाइम में किसान की इनकम को डबल कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स भी बोले गए हैं, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मर का जो कॉस्ट है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं जो भी फार्मिंग का जो कॉस्ट आता है उसको यहाँ पर घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो फार्मर को राइट प्राइस उनको प्रोवाइड कराया जाए, जो भी उनका प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है तो उनको अच्छे लेवल का प्राइस किया जाए, किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब जैसे आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह हो गया, प्याज वगैरह हो गया, ज्यादा लंबे समय तक रखे नहीं रहते प्याज तो फिर भी, पर लेकिन टमाटर हो गए जो फुल फ्रूट्स हो गए ये ज्यादा लंबे समय तक ऐसे रखे नहीं रह सकते, सड़ जाते हैं गल जाते हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चैन प्रोवाइड कराया जाए, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की चैन अगर यहाँ देखने को मिलेगी तो आसानी से उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। एक्स्ट्रा इनकम कहां से जनरेट की जा सकती है किसानों के लिए, तो उसका भी उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो ये सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है किस तरीके से आने वाले टाइम में यहां पर जल्दी से जल्दी फार्मर की इनकम को डबल किया जा सकता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को, 23 मिलियन टन जो कि पहले 17 मिलियन टन हुआ करता था, ये बात की जा रही है पल्सेस की, मतलब दालों की बात की जा रही है, काफी बढ़ चुका है ये भी।
तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में अगर यहाँ पर इनको राइट प्राइस भी मिल जाए और इंटरमीडिएटरी जो होता है जिसको बिचौलिया आप लोग बोलते हैं उसको हटा दिया जाए तो बहुत लार्ज इंपैक्ट डालेगा फार्मर की इनकम पर। तो यही कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस हो कहाँ पे रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस की लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए अगर वेस्टर्न कंट्री में आप लोग जाएंगे यूरोप में या फिर अमेरिका में वहां पर फार्मर को बिजनेस की मैन की तरीके से देखा जा सकता है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन निकल कर आती है। तो एक ऐसी कल्चर एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंडस्ट्री के साथ में यहाँ पर कनेक्ट किया जाए अच्छे से, और जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इफिशियंसी यहाँ पर बढ़ाने की बात करी है, खासकर अगर खेतों में पता रहे कि खेत की इफिशियंसी क्या होती है। सोयल टेस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा, सोयल की टेस्ट की जाएगी, यहाँ पर मिट्टी को चेक किया जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट की कमी है यहाँ पर, क्या क्या कौन सा कॉम्पोनेंट जिसे फॉस्फोरस हो गया पोटेशियम हो गया, तो ये सारे जो कॉम्पोनेंट की जरूरत है उनको यहाँ पर देखा जाएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पर सोयल टेस्टिंग करके यहाँ पर बताया जाएगा किसानों को आप लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को फर्टिलाइजर भी यहाँ पर डिक्रीज करने की बात की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में सोयल को अच्छे से यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकते हैं, क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर कई आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया की अगर बात की जाए, वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में आप लोगों ने कई बार सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी फोकस किया जाने की बात की जा रही है आगे। और सोयल हेल्थ कार्ड की जो मैं बात बता रहा हूं उसको यूज करने से लगभग 8-10% आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, मतलब जो फर्टिलाइजर है वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्शन जो हो यहाँ पर 5-6% बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सोयल हेल्थ कार्ड का इतना अच्छा यहाँ पर यूज होने वाला है, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, और कई सारी यहाँ पर स्कीम्स चलाई जा रही है उनको कंप्लीट करने की बात की जा रही है इस ईयर के एंड तक, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छे से फार्मर को फोकस देकर चला जाए। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग याद रख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि क्या ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आप लोग देखते हैं वो एबीसी आर्टिकल के अंदर है, प्रधानमंत्री किसान सिरसी योजना के तहत और ज्यादा जमीन को इरिगेटेड एरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सप्लाई चेन प्रोवाइड कराई जाएगी खासकर टोमेटो ओनियन पोटेटो के लिए, बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से आप लोगों को अमूल का यहाँ पर मिल्क का देखने को मिला हमारी कंट्री में ऑपरेशन, आप लोगों को व्हाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिला, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है लगभग 22,000 जो रूरल मार्केट है कंट्री में उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, अच्छे लेवल का अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें भी यहाँ पर नजर आएंगी, मार्केट कंट्री में कनेक्ट की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी फैसिलिटी जो किसान को प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले टाइम में, और बहुत सारा अच्छा खासा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग बात की जा रही है 2,500 करोड़ रुपए की आने वाले टाइम में, ताकि इनको चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऑपरेशन ग्रीन आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, यह बजट में भी अनाउंस किया गया था। ओके आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो महानदी आप लोगों को पता है यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, दो स्टेट के बीच में। तो सबसे पहले आप लोग स्टेट का नाम याद रखना है, एक तो गया छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और दूसरा हो गया उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में यहाँ पर महानदी को लेकर ही होगी, महानदी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है खासकर वाटर को लेकर। आप लोगों को पता है ये छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उड़ीसा की बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स के बीच में बात चल रही है, कावेरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वाटर ट्रिब्यूनल यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर देखा जा सके किस स्टेट को कितने पानी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, कौन से एरिया में ज्यादा एरिया यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड है नदी के ऊपर। तो वो सारी जो टेक्निकलिटीज होती है उन सबको यहाँ पर देखा जाए, अच्छे से यहाँ पर चीजों को जाना जाए, पहचाना जाए, और उसके बाद में यहाँ पर डिसाइड किया जाए कि किस स्टेट को कितना वाटर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर उड़ीसा ने रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को वाटर ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर चीजों को ढंग से देखा जाए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है ये, और बात की जा रही है वाटर ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने की। ओके तो ये था आर्टिकल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो बिल भी अभी न्यूज में, इन दो बिल के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर। एक तो है फर्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2018। तो ये दो बिल भी न्यूज में, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट अगर पार्लियामेंट में कोई डेवलपमेंट होता है, इस तरह कोई बिल पास किए जाते हैं, आगे एक्ट बनते हैं जाकर, तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये दो बिल भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आगे ये एक्ट बनते हैं तो फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार बिल वो है बिल ही रह जाते हैं, आगे एक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दो है अभी, इनके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आर्टिकल है यहाँ पर 6 रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 रेलवे प्रोजेक्ट खासकर फोकस किस पर दिया जा रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा एरिया जो आप लोगों को आज के पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी कंट्री में देखे
तो उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये कुछ ऐसा एरिया है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग इसको मैप में भी निहारेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है। और ट्रेन आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो लोग आज की डेट में ट्रेवल करते हैं वो रेलवे के बेस पर यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। तो ये एरिया ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर रेलवे का प्रोजेक्ट अगर अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है और आने वाले टाइम पे यहाँ पर इन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके ढंग से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जा रही है तो काफी फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी के बेस पर यहाँ पर बात की गई है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, यहाँ पर 130 किलोमीटर लॉन्ग रनवे यहाँ पर रास्ते को अप्रूव किया गया है जिसकी कॉस्ट लगभग बोली गई है यहाँ पर 26,000 करोड़ रुपए आने वाली है। और इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2022-23 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कैबिनेट कमिटी ऑफ फिरो के द्वारा, यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया गया। और खासकर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एरिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिला, कुछ ऐसे एरिया जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, तो कुछ ऐसे एरिया है माओइस्ट वाले अफेक्टेड एरिया, जैसे उड़ीसा में देख सकते हैं मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो एक कुछ ऐसे एरिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोरापुट, ये उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी आप लोगों के सामने नजर आती है डे बाय डे, आप लोग न्यूज पेपर में पढ़ते रहते होंगे। तो इन सब चीजों को यहाँ पर चेंज करने के लिए तो बात निकल के आ रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर फोकस दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर सबसे बड़ी बात होती है अगर किसी एरिया में हम लोग पर्टिकुलर एरिया में हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो कनेक्टिविटी की वजह से वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होने की वजह से वहां पर उस एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी अलग एक्टिविटी भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से अगर फोकस देकर यहाँ पर चला जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा फायदा यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग इसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी हैं रेलवे मिनिस्टर, जो लाइन के नाम दिए गए हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मुजफ्फरनगर संगरौली लाइन, तो इस तरीके से लाइन के नाम याद रखने की आप लोगों को जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट का यहाँ पर ये एक लाइन का नाम ये दे रखा है, एक लाइन का नाम यहाँ पर दे रखा है, तो इस तरीके से कई सारी लाइन्स के नाम दे रखे हैं, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना रटना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस ये होना चाहिए किस एरिया में क्या चल रहा है। तो 6 रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश स्टेट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखेगा, मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं किसके द्वारा कब तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट को, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। और बैंकिंग में खासकर ये जो कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना है, ये इस तरीके क्वेश्चन बैंकिंग के फील्ड में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन पर भी आप लोग थोड़ा फोकस दे सकते हैं। तो और आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर था हमारा, मतलब 2016 खासकर बोला जाए, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा तब से बात चल रही है जो हमारा बजट है अब यहाँ पर नॉर्मल बजट के साथ में आता है, पहले बजट अलग आया करता था, ठीक है, 2016 तक। उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला 2017 और 18 में रेलवे के बजट को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया हमारे जनरल बजट में, तो वो भी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, अब ये एक डिपार्टमेंट बन चुका है, पहले इसका कंप्लीटली बजट अलग से आया करता था, तो इसे फोकस देने की बात की जा रही है अलग से ताकि इसको ढंग से डेवलप किया जा सके, ओके। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में। इन महानस्थी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नाम है नीरव मोदी और ये 11,400 करोड़ रुपीज पंजाब नेशनल बैंक के लेकर भाग चुके हैं आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक तो होता है आदमी वो नहीं कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है गलती की है और गलती करने के बाद में मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तरीके से धमकी दी जा रही है पंजाब नेशनल बैंक को, ये बोल रहे हैं कि आपने जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से मेरी छवि को बेकार कर दिया, मेरी कंपनी का नाम आप लोगों ने ओवर वर्ल्ड में बदनाम कर दिया है, अब आप हो सके तो पैसे निकाल लो, जिसको जो करना है आप कर लो, कुछ ऐसा करके यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जारी की गई इनके खिलाफ कि किस तरीके से यहाँ पर आगे केस चलना चाहिए और किस तरीके से जो फ्रॉड आया है यहाँ पर किस तरीके से इसको टैकल करके चला जाएगा। तो जज के बेंच जो सामने बेंच पहुंचा है यहाँ पर आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हुए इसको नजर आएंगे, 3 जज की बेंच यहाँ पर नजर आएगी। और देखिए नॉर्मली आप लोगों को जज की बेंच दिखती है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई केस है यहाँ पर अभी 3 जज की बेंच है, कल को अगर केस ये होने के बाद फिर आगे से फिर से कोई इस पे और ज्यादा इश्यू निकल कर आता है तो फिर आप लोगों को इससे ज्यादा जज देखने को मिलेंगे, 5 जज की बेंच देखने को मिलेगी, 7 जज की, 9 जज की, 11 जज की बेंच देखने को मिलेगी। मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सीधा ये होता है इसमें कि 3 रहेंगे और 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, 9 रहेंगे, 11 रहेंगे, तो ओड नंबर जज यहां पर देखने को मिलेंगे आप लोगों के, ताकि अगर कल को कोई डिसीजन इनको निकालना है मिलके तो एक अच्छे से डिसीजन यहां पर निकाल सके। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यहां पर इनका नीरव मोदी नाम है आप लोगों को देखने को मिलेगा, डायमंड और ज्वेलरी का इनका आज के डेट में बिजनेस है, ये फाउंडर है नीरव मोदी जो इनका ज्वेलरी का बिजनेस है उसका, ठीक है ना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रियंका जो चोपड़ा है एक्ट्रेस, उन्होंने भी इनके ऊपर कई सारे ब्लेम लगाए हैं कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट करवाए हैं अपनी ज्वेलरी के,
पर लेकिन उसके लिए इन्होंने अब तक उनको पे नहीं किया है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें निकल कर आई है, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मोदी के साथ भी इन्होंने कई सारे विजिट किया, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड में कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कभी उसमें मतलब बैकग्राउंड में बोला जा रहा है। ये कहीं न्यूज सामने नहीं आ रही निकल के कि सपोर्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। अब बाकी तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जिस तरीके से फ्रॉड किया गया है, पहले आप लोग मालवीय देख चुके हैं, अब ये हो गए। और इसके अलावा रोटोमैक के जो पैन, जो रोटोमैक्स पैन है, उनके लीडर हैं, वो भी यहाँ पर निकलकर पिक्चर में सामने आ रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम को अगर नॉर्मली आप लोग देखा जाए तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है जनता के सामने, जनता के और इंडस्ट्रियल हाउस के हाउस को कनेक्ट करने का काम करता है बैंकिंग सिस्टम। इस तरीके से जो हमारा पैसा है हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक से वो इंडस्ट्रीज में पहुंचता है। तो इस तरीके से अगर ये लिंक ही टूट जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी जो है वो सदमे में आती हुई नजर आएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे डिसीजन लिए जाए। तो इन सब चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। बाकी केस आप लोग नाम याद ही रख सकते हैं, अब तो याद भी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, और पैसे तो इतने हैं कि एक कंट्री को लोन दिया जा सकता है इतना जितना भाई साहब अकेले लेके भाग गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है रोटोमैक पेन के बारे में, इसको भी आप लोग देखते हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा अभी जिक्र किया था। तो इसके बारे में आप लोग कंपनी के बारे में याद रखिएगा, खासकर जो पेन हम लोग यूज करते हैं बहुत पुराने टाइम से यूज किए हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक फ्रॉड केस निकल कर आया इस कंपनी के जो ओनर है उनके द्वारा, विक्रम कोठारी जी के द्वारा। लोन आप लोग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लोन को डिफॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर भी, जिस तरीके से आप लोग मालवीय टाइप के इंसान बनने की कोशिश इनके द्वारा भी की जा रही है। तो कंपनी का थोड़ा याद रखिए, कंपनी स्टेब्लिश है, कंपनी जो लोकेटेड है वो है कानपुर में यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इसके ओनर है वो यहाँ पर विक्रम कोठारी जी है। पेन की एक कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी और कई सारे बैंक का, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बैंक का नहीं है, कई सारे बैंक का लोन डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो सीबीआई ने यहाँ पर छापे मारे, कई सारे केसेस यहाँ पर निकलकर सामने आए। तो ये भी आज की लेटेस्ट न्यूज थी जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर अगली मिसाइल के बारे में, तो आप लोगों को इन मिसाइल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए अगर खासकर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यह है अग्नि सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो रेंज है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 3000 किलोमीटर रेंज है यहाँ पर जो ये यूज की जानी है। आने वाले टाइम में क्या होता है, नॉर्मली टेस्ट कर करके देखते रहते हैं कि किस लेवल पर ये काम कर रही है। टेस्ट फायर कहां से की गई है ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। ये है अब्दुल कलाम आइलैंड, कहां पर है ये, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और सरफेस टू सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो अग्नि की ये सीरीज है सरफेस टू सरफेस आप लोगों को मिसाइल देखने को मिलती है। लगभग 17 टन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसके अंदर जो पेलोड है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कहां से छोड़ी गई है, कौन सी मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, कितना इसका मार्किंग रेंज हो सकती है, किसके द्वारा डेवलप की जा सकती है, जा रही है। तो ये बातें हैं कुछ आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर मालदीव के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए मालदीव में 1 मंथ की इमरजेंसी चल रही थी, अब यहाँ पर 1 मंथ की इमरजेंसी और एक्सटेंड कर दी गई है। ये खत्म हो रही थी, उसके खत्म होने से पहले ही फिर से इमरजेंसी एक्सटेंड कर दी गई है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इसकी लोकेशन भी दिखाई थी। तो थोड़ा मालदीव के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा पड़ोसी देश है और खासकर चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके साथ में, और खासकर इंडियन ओशन में पड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पर इंडियन ओशन में अगर देखा जाए हम सबसे बड़ी कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, खासकर हमारे वाले एरिया में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और खासकर डेमोक्रेसी यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आप लोग ये रिवीजन कर सकते हैं, लेक्चर 71 है यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का मैंने कल आप लोगों को दिया था, शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पर है आप लोगों को, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट वाला इसने नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हैं, लेक्चर्स के सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, आप लोग जाकर उनका रिवीजन भी साथ में करते रहिए, ओके। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर आज का जो योजना का आर्टिकल है वो आप लोगों को देखना है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हमारी योजना चल रही है उसका आर्टिकल देख लेते हैं, पर आर्टिकल देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर जो आज के डेट में जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। मतलब क्या है, मतलब यह मान लीजिए आज की डेट में जैसे हम लोगों ने कोल वाला आर्टिकल डिस्कस किया, तो किसी एरिया में अगर कोल की माइनिंग को अगर खुदाई की जा रही है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर उस एरिया में वाटर यूज किया जाएगा, उस एरिया में पोल्यूशन फैलाया जाएगा, तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वहां पर रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे उस एरिया के, तो कहीं ना कहीं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कॉर्पोरेट हाउस कोई इंडस्ट्री जाकर अपना कोई वहां पर बिजनेस स्टार्ट करती है तो उस एरिया के जो रिसोर्सेज यूज करती है उसका बैक उनको पे करना होता है सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी का वो चीजें यूज कर रही है तो सोसाइटी को इंप्रूव करने की भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ड्यूटी रहती है। तो इसको बोलते हैं सोशल, उसको बोलते हैं CSR, जिसको बोलते हैं सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से अपने आसपास वाले एरिया में उनको फोकस देकर चलना चाहिए। तो इसी के ऊपर यहां पर बात की रही है, आप लोगों को यहां पर एग्जामिन करना है कि किस तरीके से यहां पर जो वे है हाउ टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल जो यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूज किया जा सकता है जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको, मतलब CSR के द्वारा किस तरीके से मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ये बात यहां पर बोली जा रही है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पर आप लोगों के लिए आप देख लेते हैं आर्टिकल को, थोड़ा सा आर्टिकल सुनेंगे तो आप लोग क्वेश्चन लिख पाएंगे। सोशल यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो इस तरीके से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर इस तरीके से आप लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतने ज्यादा साधन नहीं होते हैं। और बात की जाए तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी आप लोग ले सकते हैं, उनके पास भी इतनी ज्यादा मनी नहीं होती है कि वो हर एक लेवल में अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट अगर मिलकर काम करते हैं तो वो अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि अगर यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, खासकर CSR के थ्रू अगर जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है वो इंप्लीमेंट करता है चीजों को, तो यहाँ पर सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनको बोला जा रहा है यहाँ पर अग्रदूत बोला जा रहा है इंपावरमेंट का, अगर देखा जाए। और कहीं ना कहीं अगर ये इंपावरमेंट फैलाते हैं हमारी कंट्री में, तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं GDP बढ़ती हुई नजर आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो भी नए नए आप लोगों को छोटे छोटे नए नए आप लोगों को नए नए दिल्ली के स्टार्टअप नजर आते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा फायदा नजर आएगा अगर ये यहाँ पर साथ चलेंगे। तो सबका साथ सबका विकास हमारी गवर्नमेंट का नारा भी है, तो ये भी इसको रियलाइज करते हुए आप लोग नजर आएंगे। पर लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, उनके पास में इतनी मनी नहीं है कि वो हमारी कंट्री में से गरीबी को मिटा सके। अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर साथ में आगे काम करता है तो ये बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनको भी प्रमोट करने का काम करता है CSR, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्किल डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं उनको रोल प्ले कर सकते हैं अच्छा काम करने में। एल्डरली पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एल्डर होम बनाए जाते हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं, स्लम डेवलपमेंट में फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे एरिया में फोकस कर सकते हैं और इंप्लीमेंट चीजें की जा सकती हैं अगर यहाँ पर मिलकर काम करते हैं तो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला प्राइवेट सेक्टर अगर गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो रहता है हमारी सोसाइटी का उसको डेवलप किया जा सकता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा सही लेवल पर यहाँ पर अगर डेवलपमेंट होता है तो उनको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर एक तरीके से लाया जा सकता है, जिसकी बेस पर यहाँ पर काम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ओके, ये आज के आप लोगों के क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ढंग से। पहला बात की जा रही है ब्रह्मपुत्र के जो फ्लड है कंट्रोल, उसके मेजर्स के बारे में एक कमेटी सेटअप की गई है, कमेटी का नाम पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोगों को सिटी का नाम बताना है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डबलिंग द फार्मर की बात की गई है, जो मैंने आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में, ये किसके द्वारा रन किया जाता है। ये तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लीजिए। पहला मैंने आप लोगों से पूछा था लोन के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो के द्वारा जो लोन प्रोवाइड कराया गया है तो कई किलोमीटर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग कितना 6200 किलोमीटर लंबा रूरल रोड बनाने की बात की गई किस एरिया में। तो यहाँ पर पैसे भी पूछे जा सकते हैं खासकर बैंकिंग के एरिया में, और अगर बात करें UPSC के लिए तो आप लोगों से डायरेक्ट स्टेट के नाम पूछे जा सकते हैं, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रैंकिंग की बात की गई है वेल्थिएस्ट कंट्री में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से तो 6th रैंक यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। एंटी लिप्रोसी डे के बारे में आप लोगों से पूछा था तो ये 30 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन निकल के आता है 30 जनवरी को ऐसा क्या है कि एंटी लिप्रोसी डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा जाकर पढ़िएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। और क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 30 जनवरी के दिन मैंने डे सेलिब्रेट जो डे डिस्कस किया था तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था, तो इसलिए इसको जाकर थोड़ा निहारिएगा, आप लोगों को नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चलने वाली है। ओके, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज। फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा हम लोगों ने जिक्र किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में, तो 31 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो स्विट्जरलैंड है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करता है अपना साइंस डे 26 मई को, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम सर वहां पर पहुंचे थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आप लोग यहाँ पर इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने योजना के तहत डिस्कस किया यहाँ पर किस तरीके से जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रोल प्ले कर सकती है हमारी सोसाइटी को इंप्रूव करने में, और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी निकल के आया, और ये आप लोगों के रिवीजन का यहाँ पर पोर्शन था जिसका आप लोगों को रिवाइज करना है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है कोल सेक्टर को, तो देखते हैं किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है आने वाले टाइम में और क्या क्या यहाँ पर उसके लिए स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने बात की, 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, कई सारी बातें और भी डिस्कस की हम लोगों ने, इरिगेशन प्रोजेक्ट बढ़ाने की बात की जा रही है, इसके अलावा देखें यहाँ पर कि ऑपरेशन ग्रीन चलाने की बात की जा रही है, तो कई सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला महानदी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में,
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर दो बिल के बारे में, यहाँ पर बैनिंग, यहाँ पर बात की जा रही है बैनिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 और यहाँ पर चिट फंड बिल एंटी अमेंडमेंट बिल 2018, तो ये दो बिल के बारे में हमने थोड़ा जाना यहाँ पर। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर जो 6 रेलवे प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पर बात की जा रही है इंप्लीमेंट करने की उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट का, और जो मिनिस्टर है यहाँ पर पीयूष गोयल जी है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2022-23 तक। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, हम लोगों ने देखा ये पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड के बारे में और नीरव मोदी के बारे में। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला ये रोटोमैक पेन कंपनी जो है उसके द्वारा जो फ्रॉड किया गया उसके मालिक के द्वारा, इसके बारे में जाना। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला। मालदीव में आप लोगों ने देखा क्या कंडीशन बनी हुई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर दिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करें, क्वेश्चन पोस्ट ऐसे कंटिन्यूसली आप लोग करते रहिए ताकि काफी अच्छे से यहाँ पर फायदा हो सके, और जो क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते रहे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से फायदा होता रहे। ओके, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना रहा है, ऐसे ही चलते रहिए और शानदार तरीके से आप लोग अच्छे जल्दी अपना गोल अचीव कर पाएंगे। चीजों को शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक पर ताकि सबको फायदा हो जाए। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पॉलिथीन कम से कम या प्लास्टिक बैग जो होता है कम से कम यूज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।